the third project. It is about avocado price. Avocado it is a fruit like an apple, and उसका हम price predict करने वाले हैं year on year. So what are the libraries we needed? First of all, we install the libraries like NumPy, Pandas, Seaborn, and Matplotlib. For mathematical operation, we need NumPy. For Pandas, analytics and manipulation of data and all the rows, we need Pandas. Seaborn for visualization, better visualization, and Matplotlib also for visualization. So we'll just start the process. So after that, what we do, we need to collect the data. So we are going to collect data by using collect data. We have given the CSV file, and this CSV file is deleted, not deleted, collected from Kaggle.com. So you can go over there and download the file. If you need that file, you can comment below my video. I'll provide the CSV file to you. We just read it by using the pt.read.csv, and we have created one data frame. DF is a data frame. I will call the head. Here you can see head is called. We have will हेड में हमें क्या क्या समझ आता है. व्हेन वी कॉल द हेड df डॉट हेड, वी गेट द फर्स्ट फाइव रोज, एंड फर्स्ट फाइव रोज विल गेट द लाइक डेट. वी आर गेटिंग द डेट, एवरेज प्राइस. सो यू कैन सी हियर टोटल वॉल्यूम, देन 4 4 0 4 6 4 6. आई डोंट नो द मीन्स व्हाट इज दिस कॉलम मीन, बट इट इज रिलेटेड टू वो टाइप होगा कि दिस इज द एप्पल का जैसे टाइप होता है कि एक कश्मीर से आता है, तो मे बी दिस इज द टाइप और एनीथिंग इट इज पॉसिबल. तो टू टोटल बैगेज कितना है, स्मॉल बैग कितना है, उसमें से वो काउंट है. सो आफ्टर दैट विल डू द डीएफ डॉट, तो ये स्पेसिफिकेशन फीचर्स दिए हुए, टोटल फीचर्स रिलेटेड टू अवकोडा. देन यहाँ पे डीएफ डॉट इन्फो करने के बाद वी गेट कि वो क्लास कौन सा है. तो हमने पांडास डॉट कॉर, मतलब ये डेटा फ्रेम है, तो ये डेटा फ्रेम उसमें बता दिया. टोटल एंट्रीज कितना है, 3 3 0 4 6. तो 0 से लेके 3 3, कहाँ से 0 से स्टार्ट होने वाला है. देन नंबर ऑफ कॉलम्स, वी आर गेटिंग 0 to 12 13 कॉलम्स. एंड नॉन नॉन नल कितना है, एक भी कोई भी चीज़ नॉन नल ही नहीं है, सब ओके, ऑल आर नॉन नल वैल्यूज, नॉट अ नल वैल्यूज. सो 3 3 0 4 6, हमें एक एक कोई भी ऐसा कॉलम दिख रहा नहीं है जिसमें एक भी रो ऐसी है कि जो नल वैल्यूज है. और वी आर गेटिंग 3 ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल अदर आर फ्लोट्स एंड आईएनटी वैल्यूज. तो ज्योग्राफी टाइप एंड डेट इज अ ऑब्जेक्ट वैल्यू. सो वेन एवर वी वॉन्ट अप्लाई द अल्गोरिदम, वी वॉन्ट ऑल द फीचर्स और ऑल द कॉलम्स इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर और फ्लोट. सो आफ्टर दैट विल इन फर्दर फर्दर प्रोसेस विल कन्वर्ट डॉट दोज वैल्यूज इन टू आई एन टी फॉर्म. सो स्टे ट्यून, आप देखते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा वॉट वॉट आई हैव डन इन द वीडियो. सो डी एफ डॉट शेप, वॉट वी गेट द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज. सो फर्स्ट इज नंबर ऑफ रोज एंड दिस इज द 13 इज अ कॉलम्स. तो आफ्टर दैट डी एफ डॉट इज नल डॉट सम. सो वॉट वी इट इज अ मेन मेन थिंग इन द मेन मेन मेथड इन द डेटा एक्सट्रैक्शन. एंड आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग ईडीए, जब हम परफॉर्म करते हैं, तो ईडीए के सबसे पहले पहला स्टेप है, यू नीड टू फाइंड आउट इज एनी नल वैल्यू ओवर देयर. इफ इट इज निग्लिजिबल, वी कैन जस्ट रिमूव इट, और वी कैन एड. देर आर मल्टीपल वेज टू परफॉर्म, मीन्स आफ्टर परफॉर्मिंग इज नल, वी हैव मोर स्टेप्स दैट वी नीड टू फॉलो. इसके बाद क्या करना है, इफ़ वी हैव मोर नल वैल्यूज देन वी नीड टू रिमूव इट, और इफ इट इज निग्लिजिबल वी कैन रिमूव इट. इफ इट इज मोर देन वी हैव टू टेक अन मीडियन वैल्यू एंड देन वी हैव टू पुट इट. सो देर आर मल्टीपल वेज टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट राइट नाउ वी डोंट हैव एनी नल वैल्यू. सो विल गो फॉर फर्दर प्रोसेस. डॉट टाइप, वी हैव ऑब्जेक्ट, सो वील कन्वर्ट इन टू अ इंटीजर फॉर्मेट. तो हम इसका जो कॉलम है उसका वैल्यू काउंट ले लेंगे. सो वी गेट टू टू वैल्यूज, लाइक कन्वेंशनल एंड ऑर्गेनिक. तो उसका हमें वैल्यू काउंट मिल गया है. एंड
you can see here data type is int, but if you get the data type of type, then you will get the object values. Type is type and it's in the int format. Actually, it is in the int format, but it's given conventional and organic. Actually, it is an object format, you can see here. बट ये जो है ना आई एन टी है, सो वैल्यूज आर आई एन टी, तो इसको हमने मैप कर लिया है. मैपिंग इज नथिंग बट हम क्या कर रहे हैं, इसको जीरो और वन में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो मेल फीमेल है तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, येस नो है तो उसको कन्वर्ट कर दिया. लाइक वाइज वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट बाई यूजिंग द मैप. तो मैप में हम क्या करते हैं, एक डिक्शनरी फॉर्म में जो डेटा है वो हम पास कर देते हैं. सो वॉट आई डन हियर, कन्वेंशनल को जीरो दे दिया है, ऑर्गेनिक को वन दे दिया है. And I pass them. Then dir dot info देखा तो you can see here the type is now int 64. So it is converted into int type. Now actually I have not here you have to I am performing all of them. Now we have performed this one and now ये geography को मैंने again value count मांगा. So आप geo देखेंगे तो it will give you a big junk of data. So here you can see. So after that, what I have done, I go over there and df dot year डाल के मैंने value count निकाला. So here you can see the 2017 to 2022 मुझे value count मिल गया. Then I have plotted the box plot, but here you cannot see the box plot. In next video, I'll going to show you the box plot, count plot, whatever the we have used for visualization. In this video, I'm not able to perform this. In next video, we'll perform all of them. So after that, what I have done, df.date ko maine convert kar liya by using yeah date format dekh rahe ho. Here you can see the date it is a object format. So what I have done, I have applied the month. Here you can see. No, it is not able to perform because there is a problem, because I have not performed this one. I have not converted this into date time format. So here I applied to pd.date time format, and here you can see the data type is object. Here you can see the data type object. Now it is converted into what? It converted into date time. Okay. Now if I apply this one, we'll see this will perform. What? यहाँ पे हमने क्या किया है, अप्लाइंग दिस वन विल गेट द मंथ मंथ ओनली. सो आफ्टर परफॉर्मिंग दिस आई हैव कॉपीड दैट डेटा फ्रेम इनटू डेटा सेट. आई हैव कन्वर्टेड इनटू डेटा सेट. आफ्टर डेटा सेट व्हाट आई हैव डन, अप्लाइंग द मंथ, आई वांट ओनली नीड दोज मंथ, मुझे मंथ चाहिए थे. सो व्हाट आई हैव डन, अब मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा एंड आई विल परफॉर्म दिस वन. इफ आई अप्लाई लैम्डा डॉट एक्स ऑफ एक्स मंथ, तो मुझे मंथ ही निकाल के मिलेगा. जो ये वैल्यूज है ना, हियर यू कैन सी द डेट एंड आई जस्ट वांट दोज मंथ. सो इफ आई परफॉर्म दिस वन, आई हैव परफॉर्म दिस वन, हियर यू कैन सी आई हैव गॉट ऑल द मंथ्स. ओके, कि वो मुझे आई एन टी फॉर्मेट में मिल गया है, बट वो एक्चुअल में इसको हम वापस से ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही कन्वर्ट करने वाले. एंड हियर यू कैन सी, ओके नाउ आई विल परफॉर्म दिस वन. ओके आई नीड टू परफॉर्म दिस आल्सो, विल गो एंड रिमूव दिस वन एंड आई विल ड्रॉप द डेट कॉलम एंड अप्लाई. यहाँ पे मैंने अगेन आई हैव अप्लाइड द मैप फंक्शन बाय उसमें मैंने एक डिक्शनरी पास कर दिया, जान इज वन एंड फेब. लाइक वाइज वी हैव द मंथ, तो मैंने वैसे ही मंथ पास कर दिया. फेब को टू दे दिया, मार्च को थ्री दे दिया, लाइक वाइज डिसम्बर को ट्वेल्थ मंथ दे दिया. एंड इफ आई परफॉर्म दिस वन, दिस इज परफॉर्म एंड आई गेट द मंथ वैल्यू. लाइक वन को जान मिल गया और नवंबर इज द 11th मंथ. सो दिस इज हाउ इट इज परफॉर्म. यू कैन सी द लास्ट वैल्यूज आर इन द 11th, so in November month mil gaya. Now what I have done, here I have created dummies. For get dummies hum kyun karte hai, we have so we'll go and perform. We can see here why we need a get dummies dot get dummy. Okay, so I have pd dot get dummies in Python. सो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा व्हाट व्हाई वी यूज दिस. कन्वर्ट कैटेगरिकल जो डेटा होता है, लाइक वी हैव गिवन लाइक
male, female, and or yes, we'll take we have given the fruit value, or we have base better and good base better. So usko hame convert karna hai 0 1. So ye if we have three more than 10 values, like aisa values hai, fruits diye we have given the fruits like apple, pineapple, all we have given the 15 fruits. And if you have given the fruit, आप उसको 1 2 3 4 नहीं कर सकते ना, यू कैन नॉट गिव द 1 2 3 4. सो वॉट वी डू, वी कन्वर्ट दोज कैटेगरी वैल्यू इनटू डमी वैल्यूज बाय यूजिंग द वेक्टर वेक्टर वेरिएबल. तो उसको हम क्या करते हैं, तो वो अभी मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे. सो हम डमीज क्रिएट करते हैं कि डमीज ऑफ डेटा सेट वॉट ईयर्स एंड वी हैव जियोग्राफी एंड मंथ, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, और उसका फर्स्ट वाला जो वैल्यू है वो हम ड्रॉप कर देंगे इसमें से. सो ये एक स्टेप है, फर्स्ट वाला वैल्यू, बिकॉज इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एज अदर अदर फीचर्स. सो उसको डिलीट कर देंगे. एंड इफ यू सी हियर, गेट डमीज डॉट कॉलम निकालेंगे तो जो भी हमारे, बिकॉज आई हैव नॉट परफॉर्म दिस वन, सो वो परफॉर्म नहीं होगा. नाउ इफ आई परफॉर्म दिस वन, यू कैन सी द ज्योग्राफी जो था ना, ज्योग्राफी में बहुत सारे स्टेट्स और ज्योग्राफी के लिए जो चीजें थी वो थे, लाइक ग्रेट लेग है, डेनवर है, तो डिट्रॉइट है, तो ये जो जो थे, तो ये इसमें थे, शिकागो है, तो ये जितने भी थे ना वहाँ के, तो वो इसमें थे स्टेट्स वाइज लोकेशन, तो ज्योग्राफिकली आ गए. एंड दिस ऑल्सो मंथ, तो मंथ को भी उसमें कन्वर्ट करते हैं द ऑब्जेक्ट फॉर्मेट, तो अभी सब कॉलम हो चुके हैं. सो वो कॉलम किसे है, वो 0 0 0 देते जाएगा, जहाँ जहाँ जाना है ना वहाँ वहाँ 1 आएगा, बाकी के जो मंथ है उसको 0 दे देगा. देन जुलाई जहाँ पे आया है वहाँ पे 1 1 हो जाएगा, बाकी के इसको 0 कर देगा लाइकवाइज. तो अभी डेटा सेट डॉट कॉलम देखेंगे एंड देन विल, अभी हमको ये कॉन्टेंट करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव द प्रीवियस डेटा सेट, उसमें कुछ कॉलम थे और डमीज में कुछ कॉलम थे. डमीज में टोटल कॉलम कितने, 65. तो वी हैव एडेड द मोर 65 कॉलम्स इन टू अवर डेटा सेट. तो मैं इसको परफॉर्म कर लूंगा एंड विल गेट द एक्स. एक्स एक्स मतलब क्या है, हम परफॉर्म करने वाले आगे, एक्स एंड वाई वी टू प्रिडिक्ट करने वाले, एवरेज वाइज वाई फॉर वाई इज एवरेज वैल्यू, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रिडिक्ट द वाई हियर, एवरेज वैल्यू ऑफ अवकोडा बेस्ड ऑन दोज फीचर्स. तो ये हमें एक्स में एवरेज वैल्यू नहीं है वो देखना है. एंड हियर यू कैन सी द हमारा एवरेज वैल्यू उसमें प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज ये 75 टोटल रोज था. बाई चांस इफ आई पुट एवरेज वैल्यू तो वो सब गड़बड़ कर देता, तो सो एक्स में हमारा एवरेज वैल्यू नहीं है एंड वाई हैव एवरेज वैल्यू. सो आफ्टर दैट आई हैव परफॉर्म एस्केलन से हमने ट्रेन स्टेट स्प्लिट ले लिया एंड विल परफॉर्म दिस वन. एंड आफ्टर दैट आई हैव जस्ट ट्रेन स्टेट माई बाई यूजिंग एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट, और इसमें एक्स वाई और टेस्ट साइज 0.3 एंड रैंडम स्टेट 45, बिकॉज इट इज ऑलवेज वर्क फॉर मी. सो 45 ले लिया मैंने. आफ्टर दैट आई हैव उसमें कुछ ऐसे आप देखोगे यहाँ पे, हियर यू कैन सी कि बाबा कुछ वैल्यूज है, कुछ कॉलम्स है उनकी वैल्यूज है वो जो एक फॉर्मेट में नहीं, लाइक 1 0 या कुछ नॉमिनल फॉर्मेट में नहीं है. इफ यू सी इसको आप डॉट इन्फो करोगे और इसको पास करोगे, हियर यू कैन इन्फो नहीं, सॉरी यू नीड टू डू द डिस्क्राइब. एंड इफ यू डू द डिस्क्राइब, हियर यू कैन सी इट्स नॉट इन द फॉर्म. अभी ये एक फॉर्म में नहीं है, बिकॉज कुछ वैल्यूज है जो कि बहुत अपर लेवल पे, तो ये कैसे डिफाइन करते हैं वो आपको बताना चाह रहा था मैं, लाइक व्हाट वी डू, गो अगेन टू एक्सटेन. एंड इफ आई हियर यू कैन सी एक वैल्यू है लाइक 88,000 समथिंग, और सेकंड वैल्यू है 26. तो एक नॉर्मलाइज फॉर्म में नहीं, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में है. तो व्हाट वी डू, विल इसको हम स्केलिंग करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे वैल्यूज को, नॉर्मलाइज करेंगे. तो नॉर्मलाइज करने के लिए मैंने प्री प्रोसेसिंग से हमने क्या क्या कर लिया, स्टैंडर्ड स्केलर बुला लिया, और ये मैंने स्केलर डॉट फिट कर लिया एक्सट्रेन पे, बिकॉज एक्सट्रेन ही हम अप्लाई करने वाले फॉर डिप्लॉइंग डेवलपिंग अवर एल्गोरिदम. तो मैंने वो अभी ये क्या कर लिया, स्केलर डॉट फिट जो कि स्टैंडर्ड स्केलर था उसको फिट कर लिया एक्सट्रेन पे, और जो जो कॉलम्स मुझे देने थे उसको मैंने स्क्वेयर ब्रैकेट में पास कर दिए. एंड हियर यू कैन सी द हमने फिर वापस क्या लीनियर रिग्रेशन लगा दिया. इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू अप्लाई एक्जीबूस्ट, केएनएन और
रैंडम फॉरेस्ट भी हम अप्लाई कर सकते हैं इन इन नेक्स्ट वीडियो. मे बी आई विल अप्लाई ऑल दोज एल्गोरिदम. वी कैन सी इवन दोज रिमेनिंग विजुअलाइजेशन बिकॉज यहाँ पे नहीं परफॉर्म कर पा रहा हो. आई विल ओपन इन द गूगल गूगल कोलैब फॉर्मेट एंड विल ईडीए एंड और ओवर देयर वी कैन सी द विजुअलाइजेशन ऑल द विजुअलाइजेशन दैट आई हैव नॉट परफॉर्म हियर. तो अगेन यहाँ पे एक लीनियर रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट बना लिया एंड आई जस्ट एल आर डॉट फिट करके मैंने एक्सटेंड एंड वाइड रेंज पास कर दिया. सो हियर इट परफॉर्म गुड एंड वेल. सो विल से वाइड रेंज मैंने निकाली एल आर डॉट प्रिडिक्ट करके उसको एक स्टेज पास कर दिया. दिस आर द प्रिडिक्ट मीन्स दिस आर द डिफाइंड स्टेट यू हैव टू परफॉर्म इन एवरी मॉडल इफ यू अप्लाइंग द लीनियर रिग्रेशन ऑन एमएल मॉडल. तो आफ्टर दैट व्हेन वी गिव द 10th एग्जाम, जब हम एक टेंथ 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 देते हैं, टेंथ का एग्जाम देते हैं, तो हमें कुछ रिजल्ट मिलता है. उसमें हमें मार्क्स मिलते हैं कि यू हैव पास विथ 75 मार्क्स और 60% और 80%. उसके बेस पे हमें कॉलेज मिलता है. उसी तरह से आप देखोगे यहाँ पे कि एक मैंने मॉडल तो परफॉर्म कर लिया है बट उसके बाद मुझे एरर कितना है, बंदे ने सुधार कितना किया है, उसने प्रीलियम में इतना परफॉर्म किया था, टेस्ट में इतना परफॉर्म किया था, फाइनल एग्जाम में कितना परफॉर्म किया है, कुछ एरर थे क्या. सो लाइकवाइज हियर एस्केलॉन डॉट मैट्रिक्स से हम इंपोर्ट करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर एरर एंड आर टू स्कोर. तो इसके बाद हम इसमें पास कर देंगे वाई टेस्ट एंड वाई प्रिंट. तो उसके बेसिस पे हमें मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर एरर एंड आर टू मिल जाएगा. आर टू क्या करता है कि हमें एक एक्यूरेसी बताता है कितने परसेंट की एक्यूरेसी, 65%, 60% की है. हियर यू कैन सी द 60% की एक्यूरेसी. 60% इज नॉमिनल एक्यूरेसी, एटलीस्ट 90, 80, 85 इतनी एक्यूरेसी होनी चाहिए. अब वो तो 75%. सो इट इज माना जाता है कि वो एक अच्छा मॉडल है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है. हियर इज 60 इज वेरी 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 लेस. आई कैन से नॉट अ वेरी लेस बट नॉट अ गुड नॉट गुड गुड अल्गोरिदम टू परफॉर्म ऑन दिस डेटा सेट. तो इन नेक्स्ट वीडियो विल परफॉर्म द नेक्स्ट अल्गोरिदम. सो स्टे ट्यून, देखते रहिए, शेयर विथ योर फ्रेंड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. सब्सक्राइब करना मत भूलिए बिकॉज इट मोटिवेट्स मी.